Welcome to the Motown India Show. We have with us today Dr. Yogesh Bhatia. He's the founder and CEO of Detail. And Detail, we all know, is into consumer electronics products and also in the EV space. Yes, electric vehicles in the two-wheeler space. The company recently announced its entry with the LML brand. And today we're going to ask Dr. Bhatia about his plans in the EV space. Welcome to the show, sir. Thank you, sir. Thank you. So tell us about this Detail brand first. What's this brand into? What's been the progress here? As you know, I have started my professional journey in 1995 with the FMCG background, and we have launched first SIM card, then Nokia, then Reliance, then Tata, and in appliances, LG and Samsung. After a long journey of these all products launching, 2016 में हम लोगों ने Detail brand को launch किया, और 2017 में हम लोगों में Detail से with a vision of connecting 40 crore Indians world's most economical feature phone launch किया with a tagline of लो कर लो बात. उस product को launch करने का उद्देश्य और विजन हमारा ये था कि हमारे देश में 40 करोड़ लोग ऐसे थे जो बिना मोबाइल के थे. यस, बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क था हमारी इंडियन इकोनॉमी पर कि 40 करोड़ लोग बिना कनेक्टिविटी के हैं. तो Detail ने आगे कदम बढ़ाया और 15 अगस्त 2017 को NDTV के थ्रू हम लोगों ने 299 में मोबाइल लॉन्च किया. ऐसे आगे चलते चलते फिर BSL के साथ भी हमारा टाइप हुआ और टेलीकॉम मिनिस्टर मिस्टर मनोज सिन्हा ने हमें उसमें लॉन्च किया प्रॉपर BSL के साथ टाइप करके बंडलिंग करके. फिर 2018 में हम लोगों ने LCD TV लॉन्च किया एट 3999. उसमें भी हमारा विज़न ये था कि हर घर TV. तकरीबन 10 करोड़ हाउस होल्ड ऐसे थे जो TV नहीं देख रहे थे. बहुत बड़ा प्रश्न था, 40 करोड़ लोग और 10 करोड़ परिवार बिना TV के थे. तो हम लोगों ने 3999 में TV लॉन्च किया. तो आगे चलते चलते लास्ट टू लास्ट ईयर कोरोना के फर्स्ट पीरियड में हम लोगों ने वर्ल्ड्स मोस्ट इकोनॉमिकल ऑक्सीमीटर 299 रुपीज़ में, देन डिजिटल थर्मामीटर हम लोगों ने लॉन्च किया. तो ये सब जर्नी इकोनॉमिकल को ही हमने क्यों पकड़ा, इसका सबसे बड़ा रीज़न है, सबसे पहले अगर हम भारत में रहते हैं तो हमें भारत की भारतीयता को समझना पड़ेगा. ये नहीं कि हम एक मैन्युफैक्चरर हैं, हम प्रोडक्ट को बनाना जानते हैं तो हम उससे ह्यूज मनी एक ही बार में कमा लें. हमें अपनी सोसाइटी, अपने सोशल दायित्व को ध्यान में रखते हुए ये चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए कि मैं कितने मैक्सिमम लोगों को मेरे ब्रांड से बेनिफिट मिल सकता है. इसी सोच के साथ हम आगे बढ़ते जा रहे हैं और हमने आज से 2 साल पहले इलेक्ट्रिकल व्हीकल के ऊपर एक बहुत बड़ा सर्वे किया और उस सर्वे में ये निकल कर आया कि हमारे देश में तकरीबन 20 करोड़ टू व्हीलर पेट्रोल के ऑन रोड पर हैं और हर साल अप्रोक्सीमेटली 2 करोड़ टू व्हीलर ऐड होते हैं. अभी रिसेंटली एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस आई हैं, बाय 1 जनवरी 2026 पेट्रोल व्हीकल बिकने बंद हो जाएंगे. अगर ऐसा इंप्लीमेंट हो जाता है तो रोड पर 30 करोड़ टू व्हीलर पेट्रोल के होंगे और इलेक्ट्रिकल व्हीकल के लिए एक बहुत बड़ा डोर ओपनर होगा. बट क्या इंडस्ट्री उसको एब्जॉर्ब कर पाएगी? वैसी इतने मोटे वॉल्यूम्स, इतने बड़े वॉल्यूम्स में इलेक्ट्रिकल व्हीकल टू व्हीलर इवॉल्व होकर मार्केट में अवेलेबल हो पाएंगे? इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने 15 अगस्त 2020 को एक पायलट प्रोजेक्ट के साथ Detail Easy के नाम से एक प्रोडक्ट लॉन्च किया 1999 में. उस प्रोडक्ट को लॉन्च करने का हमारा उद्देश्य, क्योंकि वो पायलट था, हम कंज्यूमर के सेंटीमेंट को जानना चाहते थे, हम कंज्यूमर के एडॉप्टेबिलिटी बिहेवियर को जानना चाहते थे, हम ये समझना चाहते थे कि रोड पे अवेलेबल 20 करोड़ टू व्हीलर IEC इंजन टू इलेक्ट्रिकल व्हीकल में ट्रांसफॉर्मेशन में कितना टाइम लेंगे और कैसे होगा. तो हमने कंज्यूमर के सेंटीमेंट्स को समझा, उसको समझकर, जानकर, अंडरस्टैंड करके हमने देखा कि यहाँ पर कुछ ऑब्स्टेकल्स हैं. अगर उन ऑब्स्टेकल्स को हम ऑटो इंडस्ट्री वाले मिलकर आगे बढ़कर एड्रेस करें और कुछ कुछ लोग अपना कंट्रीब्यूशन करते हुए उस ऑब्स्टेकल्स को सोल्व करें तो 101% जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का विज़न है और हम उसमें एक अच्छा कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं. तो सबसे पहले हम लोगों का जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल है डेट इज विदाउट एनी ड्राइविंग लाइसेंस इज नॉट मैंडेटरी, रजिस्ट्रेशन इज नॉट मैंडेटरी. द थर्ड एंड मेन थिंग इज डेट इज अ चार्जिंग स्टेशन. इतना बड़ा पेट्रोल पंप स्टेशन का बड़ा जंक जो पिछले 50, 60, 70 साल में बना है, आज हम उसको कैसे एकदम इलेक्ट्रिफिकेशन में कन्वर्ट कर देंगे? कोई भी इंडस्ट्री एकदम नहीं कर पाएगी, इट विल टेक सम टाइम. तो इस
ऑब्स्टिकल को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने कहा एक ऐसा प्रोडक्ट लेकर आते हैं जो लो स्पीड इलेक्ट्रिकल व्हीकल तो होगा बट देर विल बी नो डिपेंडेबिलिटी ऑन द इलेक्ट्रिकल स्टेशन कि आपको इलेक्ट्रिक स्टेशन पर जाकर चार्ज कराना पड़ेगा। हमारे प्रोडक्ट में इजी प्लस के नाम से जो प्रोडक्ट आ रहा है इसको हम लोगों ने 399,40,000 प्लस जीएसटी में लॉन्च किया है। इस प्रोडक्ट की सबसे बड़ी यूएसपी यही है कि आपको इसमें किसी भी किस्म का कोई ड्राइविंग लाइसेंस मैंडेटरी नहीं है, मतलब आपके हमारे घर के बच्चे टीनेजर्स सब बड़े आराम से चला सकते हैं, कोई रजिस्ट्रेशन के कोई एक्सपेंसेस नहीं है। थर्ड द मेन पॉइंट इज चार्जिंग। इस प्रोडक्ट को आप लोग सिंपल 5-way चार्जर से फ्रॉम एनीवेयर एंड एवरीवेयर चार्ज कर सकते हैं। डिटैचेबल हम लोगों ने इसमें बैटरी दी है, अगर आप लोग 25th फ्लोर पर रहते हैं शाम को अपने प्रोडक्ट की बाइक की बैटरी निकाल लीजिए, आप डिटैचेबल कर लीजिए और ऊपर 25th फ्लोर पे ले जाइए, चार्ज कर लीजिए, सुबह जाइए बैटरी लगा दीजिए और गाड़ी चला लीजिए। मिस आप अपने घर, दुकान, ऑफिस, चाय की दुकान, पड़वानी की दुकान, कहीं पर भी सब्जी मंडी में खड़े होकर भी अपने प्रोडक्ट को चार्ज कर सकते हैं। मिस ये एक सोल्यूशन हुआ इस इंडस्ट्री में एंटर होने के लिए। डिटेल को लेकर हम लोगों का विजन यही है कि हम देश में मासेस को अफोर्डेबिलिटी के साथ, वैल्यू फॉर मनी के साथ, एक वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट हम लोग देने जा रहे हैं और हम उस कम्युनिटी को डिटेल इलेक्ट्रिक व्हीकल के थ्रू देख रहे हैं जो कि एक बहुत बड़ा जंक है, जो कि प्राइस को भी देखता है और अपनी रोजमर्रा की जिंदगी को भी देखता है कि मेरा एक्सपेंस अगर पेट्रोल व्हीकल में इतना आता है तो ये प्रोडक्ट लेकर मेरा एक्सपेंस कितना आएगा। उन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हम लोग डिटेल इजी प्लस एक प्रोडक्ट दे रहे हैं और बाय मंथ ऑफ नवंबर हम लोग एक प्रोडक्ट B2B के लिए भी देंगे जो लास्ट माइल डिलीवरी प्रोडक्ट होगा। 250 kg उसका वेट लोडिंग पेड लोड वेट कैपेसिटी होगा और उस प्रोडक्ट में भी हमें एक डिफरेंट तरीके से इन हाउस डिज़ाइन, इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग के साथ मोर देन 90% पार्ट हम लोगों ने उसमें इंडिजीनियस यूज़ किए हैं। मेरा शुरू से यही मानना रहा है कि अगर हम भारतीय हैं, हम भारत में व्यापार करते हैं तो खाली व्यापार ना करें, हम कुछ ऐसा करें कि हमारी आसपास की कम्युनिटी को रोजगार मिले। मेरे साथ काम करने वाले व्यापारी भाई, एंटरप्रेन्योर, दुकानदार, डिस्ट्रीब्यूटर, डीलर्स और साथ में जुड़े हुए टीम मेंबर्स को एक रेगुलर रोजगार मिलना चाहिए। इसी उद्देश्य, इसी मिशन के साथ हम लोग डिटेल को भारत का इकोनॉमिकल वैल्यू फॉर मनी ब्रांड बढ़ाते हुए इलेक्ट्रिकल व्हीकल को आगे बढ़ा रहे हैं। वंडरफुल मिस्टर भाटिया, ऑल्सो व्हेन यू टॉक अबाउट द डिटेल ईसी एज अ पायलट प्रोजेक्ट आप लाए थे उसको, दैट कॉस्ट अराउंड 20,000 1999, सो एंड व्हेन यू ब्रॉट इन अ न्यू प्रोडक्ट दैट went almost double the price. So how did this happen? Were there a lot of improvements in the product? So what's the reason for this steep increase in price? देखिए, जब भी कोई एक कदम प्रोटो पायलट रखा जाता है तो बहुत सोचा समझा नहीं जाता है। पायलट का मतलब यही होता है कि पायलट करके अंडरस्टैंड किया जाए, तो उसका प्राइस हमेशा नीचे ही होना चाहिए, कम ही होना चाहिए। उसमें वो सारे पैरामीटर्स आगे के नहीं देखे जाते हैं, उससे हम प्रोडक्ट से एक मार्केट को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं। अब आपका क्वेश्चन जो आया कि प्राइस वो आपने 199,999 पे रखा था और GST और डिलीवरी चार्जेस करते हुए कंज्यूमर को 25,000 को पड़ा था, ये प्रोडक्ट कंज्यूमर को 42,000 में एंड कंज्यूमर पॉइंट को पड़ेगा, तो इसका रीज़न क्या है? इसका सबसे बड़ा रीज़न तो ये है कि पहले वाले प्रोडक्ट में हमारा 12 AH का बैटरी था, इस प्रोडक्ट में 20 AH का बैटरी है। उस प्रोडक्ट का फील, लुक, फैक्टर, टायर, एवरीथिंग इज टोटली अ डायनेमिक। इजी प्लस में हम लोगों ने 170 mm का रोड क्लियरेंस दिया, फोर व्हीलर में रोड क्लियरेंस असिस्टेंस 165 mm ओनली। मींस इंडियन रोड पर पहले वाले पायलट प्रोडक्ट को हमने गड्ढे में, बारिश में हर तरीके से चलाकर देख लिया, क्या क्या कमियां, क्या क्या चीजें चाहिए, वो सब हमने इजी प्लस, इसलिए उसको प्लस कर दिया, उसमें डाल दी ताकि मेरा कंज्यूमर वो टीनेजर है, वो गाड़ी जब चलाए, वो एजिड है, सीनियर सिटीजन है, फीमेल्स हैं, जो भी हमारे कंज्यूमर्स हैं वो गाड़ी को चलाएं तो लव करें, वो गाड़ी ड्राइव नहीं करें, वो गाड़ी से लव करें। उस उद्देश्य के साथ इस प्रोडक्ट में हम लोगों ने 20 AH की बैटरी दी, 170 mm का रोड क्लियरेंस दिया, डिजिटल मीटर दिया, ट्यूबलेस टायर्स दिए और अलॉय व्हील्स दिए, और साथ में सबसे अच्छी चीज हम लोग इसमें एक देने जा रहे हैं जो कि अभी तक फोर व्हीलर प्रोवाइड करते हैं, दैट इज रोड साइड असिस्टेंस। रोड साइड असिस्टेंस बोले तो RSA उसको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है। विद इन द रेडियस ऑफ 40 km अगर मेरे कंज्यूमर की किसी की भी बाइक खराब होती है तो वो रोड साइड असिस्टेंस के टोल फ्री नंबर पे कॉल करके दे विल पिक द बाइक एंड रिपेयर इफ दैट इज विद इन द वारंटी पीरियड और वारंटी कंपोनेंट्स, देन दैट विल बी फ्री ऑफ कॉस्ट। इफ दैट इज आउट ऑफ वारंटी देन दे विल द चार्ज एज पर द गाइडलाइंस।
तो ये मतलब एक अलग सी चीज होगी ना, टू व्हीलर में आपको रोड साइड असिस्टेंस मिल रही है। मीन्स हम 40,000 रुपए देकर 5 लाख रुपए फोर व्हीलर के साथ कंपैरिजन करें। हमारा मानना, हमारा जानना ये है कि इंडिया में प्रोडक्ट बना कुछ तो खास होना चाहिए, कुछ तो अलग होना चाहिए, और टू व्हीलर के कंज्यूमर को हमें वो फील देनी है कि यस यू आर वेरी प्रीशियस कंज्यूमर फॉर अस। ओके, एंड आपने ये भी मेंशन किया था कि ये जो प्रोडक्ट्स है इट इज़ मोर देन 90% लोकलाइजेशन। सो कैन यू टेल अस वेयर आर यू सोर्सिंग द कंपोनेंट्स एंड वेयर इज योर फैक्ट्री एंड वेयर आर यू सेटिंग इट अप, कैन यू जस्ट एक्सप्लेन दैट। हमारा गुड़गांव में बिनोला में प्लांट है सर, वहाँ पे हम लोग इसको मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। इन हाउस डिज़ाइन है, इसके ऊपर तकरीबन हमारी 12 से 15 महीने की जर्नी लगी है इस प्रोडक्ट को डेवलप करने में। बहुत अच्छे तरीके से हर खूबियाँ डालने का हमने इसमें प्रयास किया है, और हम उम्मीद ये करते हैं जब कंज्यूमर के हाथ में प्रोडक्ट जाएगा तो कंज्यूमर कहेगा आई लव डिटेल इजी प्लस। ये मेरा एक सोच, एक भावना है, क्योंकि मैं कहीं भी ऐसे प्राइस पॉइंट में उस प्रोडक्ट को नहीं रखा मैंने जिससे कि मेरी कंपनी को तो मार्जिन मिले बट मेरे कंज्यूमर की पॉकेट पे वो हैवीनेस आए, तो वो मैं नहीं चाहता। मैं आम कंज्यूमर के बारे में शुरू से सोचता हूँ, आया हूँ और आगे भी सोचता चला जाऊँगा। एंड सर, व्हाट आर द नंबर्स यू आर लुकिंग एट? आई मीन नाउ दैट यू हैव अ प्लांट, सो व्हाट आर द कैपेसिटीज देयर एंड व्हाट आर योर प्रोजेक्शंस व्हिच यू हैव इन माइंड? सर, नंबर्स की बात करते हैं तो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर का हमारा प्लान 1 लाख यूनिट का डिटेल के साथ है, जिसमें B2C मॉडल इजी प्लस एंड B2B मॉडल जो इजी लास्ट माइल डिलीवरी के लिए हमारा प्रोडक्ट आ रहा है, वो दोनों नंबर्स मिलाकर हम लोग इसको 1 लाख यूनिट्स ईयर करने वाले हैं। ग्रेजुअली हर ईयर हम लोग बढ़ाएंगे, हम लोगों के फाइनेंशियल प्लान्स रेडी हैं। कुछ अच्छे बड़े बिग इन्वेस्टर्स से हमारा डिस्कशन चल रहा है, उन लोगों ने हमसे प्लान मांगे, हम लोगों ने प्लान्स उनसे शेयर किए हैं। कैपेसिटी की बात करते हैं तो हमारा बड़ा प्लांट लगने जा रहा है, जिसकी हमारी एक बिग पार्सल ऑफ लैंड की गवर्नमेंट से डिस्कशन चल रही है। जैसे हम लोग क्लोज करेंगे साथ के साथ हम अनाउंस करेंगे, क्योंकि बिना क्लोज किए, बिना एवरीथिंग इज क्लोज किए, हम उसको अनाउंस करने में थोड़ी जल्दबाजी नहीं करना चाहते हैं। एंड द मोस्ट एक्साइटिंग पार्ट सर इज दैट फ्रॉम डिटेल यू सडनली जंप इनटू LML आल्सो। नाउ LML वी ऑल नो इज ओन्ड बाय द वंस अपॉन अ टाइम ओन्ड बाय द सिंघानिया फैमिली and you are a Bhatia, so what's the connection here? Can you tell our viewers about that? देखिए, जैसे मैंने आपको पहले बताया, मेरी एक सोच है, मैं अपने भारत में अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड हर कंज्यूमर के बारे में सोचता हूँ। यस, एक आम कस्टमर जिसके लिए इकोनॉमिकल प्रोडक्ट होना चाहिए, एक मिडिल क्लास कम्युनिटी भी हमारे इंडिया में बहुत बड़ी कम्युनिटी है, उसके बारे में भी सोचते हुए तकरीबन 1.5 साल पहले मैंने इसके ऊपर अपनी माइंड शेयर करना शुरू किया था, मैंने उस पर काम करना शुरू किया था, और लास्ट मंथ हम लोगों ने इसको डील को क्लोज किया है। हम लोगों ने LML ब्रांड ग्लोबली एक्वायर कर लिया है, और उस ब्रांड को लेने का हमारा उद्देश्य यही है कि हम LML जो कि इंडिया के लोगों के दिलों में बसा हुआ है फ्रॉम लास्ट 50 ईयर्स, 1972 में LML के सिंघानियाज फैमिली ने उस प्रोडक्ट को लॉन्च किया था, उस ब्रांड को लॉन्च किया था, और 50 साल तक लोगों ने उस ब्रांड को प्यार किया है, और हम ये जानते हैं और हम ये चाहते हैं उस फैमिली द्वारा किए गए अथक प्रयास LML के ऊपर ये ब्रांड आगे दिन दुगनी रात चौगनी उन्नति करेगा। और साथ में ये ब्रांड तो सोना है LML, इस पर सुहागा इलेक्ट्रिक व्हीकल आज की फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी को करके लगाने का प्रयास हमारी टीम ने किया है, सो डैट आज की नीड के मुताबिक, आज की टेक्नोलॉजी के मुताबिक हम लोगों तक स्मार्ट, टेकी, ट्रेंडी, यूनिक डिजाइन, बेस्ट इन क्लास प्रोडक्ट हम कंज्यूमर को एट अ मिड प्राइस पॉइंट पे दे पाएं। मैं इसमें ये नहीं कहूंगा मोस्ट इकोनॉमिकल, लेस प्राइस, बट एट अ मिड प्राइस पॉइंट विद अ हाई स्टैंडर्ड क्लास ग्लोबलाइज्ड टेक्नोलॉजी एंड डिजाइन। हमारा इटालियन डिजाइन हाउस से भी डिस्कशन चल रहा है, हमारे बैकएंड पे काम LML में शुरू हो चुके हैं, टोटली टॉप टू बॉटम अ डिफरेंट टीम बोर्ड पर आ रही है, बड़े अच्छे तरीके से इस इंडियन ब्रांड को ग्लोबली हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। LML ऑलरेडी जितना नंबर बिकता था 70% ओवरसीज बिजनेस था, 30% इंडियन बिजनेस था, विद डेट लीगेसी ऑफ ओवरसीज बिजनेस एंड इंडियन बिजनेस, हमें हर हाल में इसको बढ़ाना है और इंडिया में LML ब्रांड को ग्लोबली इंडिया से पहुंचाना है, कि पहले IEC इंजन में आता था, अब आपका इलेक्ट्रिकल व्हीकल में भी LML आ गया है। लास्ट वीक आई गोट अ कॉल फ्रॉम इजिप्ट, इजिप्ट में LML बहुत अच्छा बिकता है, उन लोगों ने बोला सर वी आर रेडी टू लॉन्च, रीलॉन्च LML इलेक्ट्रिक व्हीकल, इफ जो आपका प्लान है आप हमसे शेयर कीजिए। तो LML को हम लोग ग्लोबली इलेक्ट्रिक व्हीकल ब्रांड बनाना चाहते हैं।
A little more about LML. So when you say you have acquired the brand, so iska ye matlab hua, it's exclusive for you. Yes. Nobody else, the family cannot use it. No. So is it only in the area of electric, or somebody can use the LML brand for the IC engine? No. I didn't understand. We have acquired complete LML brand, completely purchased. Now it's up to us. हमें उसको आईसी इंजन में भी बनाना है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल में भी बनाना है, कल कोई और नई टेक्नोलॉजी आती है हमें उसको किस में बनाना है, ये सब हमारे ऊपर, हमारे ग्रुप के ऊपर डिपेंड करता है। हमने एलएमएल ब्रांड को ग्लोबली ब्रांड के राइट के साथ परचेज कर लिया है। हमारी सोच, हमारा मानना यही है कि हमारी गवर्नमेंट इतना अथक प्रयास इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स सेगमेंट पर कर रही है, हम एज अ मैन्युफैक्चरर उतना कंट्रीब्यूट जरूर कर पाएं कि उनकी 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो एक विजन है हमारे पीएम का, हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उसमें हम भी एक ऐसा योगदान दे पाएं कि प्रोडक्ट तो इंडिया में बनाएं लेकिन बनाएं पूरे विश्व के लिए, और एलएमएल का नाम जैसे पहले लहरा रहा था अब और ज्यादा खूब लहराए। दैट्स वेरी गुड। सो वाज इट अ वेरी एक्सपेंसिव बाय? सर देखिए, मेरी बात समझिए, कुछ भी सस्ता और कुछ भी महंगा नहीं होता। आपने जो शर्ट डाल रखी है अगर वो 10,000 रुपये की है तो अलग एंगल से 10,000 की सस्ती भी है। मैंने कोई शर्ट अगर 5,000 की डाल रखी है तो वो मेरे लिए बहुत महंगी भी है। तो हर किसी का नज़रिया देखने का, सोचने का और सुनने का होता है। आप क्या चीज़ ले रहे हैं, क्या इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं और एग्जीक्यूशन क्या कर रहे हैं, आपका लॉन्ग टर्म विज़न क्या है। अगर आपका लॉन्ग टर्म विज़न एक क्लियर कट है, क्रिस्टल क्लियर है कि यस मुझे इंडिया की ईवी रेवोल्यूशन ट्रांसफॉर्मेशन में इसका पार्ट बनना है, तो हमारे लिए एलएमएल ब्रांड को लेना बहुत जरूरी था, जिससे कि हम 50 इयर्स ओल्ड लीगेसी एक आइकॉनिक ब्रांड को लोगों तक दोबारा रीकनेक्ट करके आज की नई टेक्नोलॉजी के साथ एंड डिफरेंट यूनिक ट्रेंडी डिजाइन के साथ अपने कंज्यूमर को हैंड होल्डिंग कर पाए। मैं बड़ी खुशी से आप लोगों से एक बात शेयर करना चाहूंगा, ये अनाउंसमेंट हमने वर्ल्ड ईवी डे 9th of September को किया है, तो मुझे उस दिन से लेकर आज, टुडे इज 22nd of September, तकरीबन 13 दिन हो चुके हैं। आई गोट 2300 मेल्स इनविटेशंस फ्रॉम लिंक्डइन, ऑल माय सोशल मीडिया अकाउंट, रिसीविंग अ रेगुलर कॉल, व्हाट्सएप मैसेजेस, यू हैव डन ए ग्रेट वर्क। नोबडी आस्क मी कितनी वैल्यू में लिया, मैं कितनी वैल्यू को सर एक्स बोलता हूँ। हमने अपना अथक प्रयास, जो हमारी 27 इयर्स की हमारे ग्रुप की मेहनत थी, हमने सब कुछ करते हुए इस ब्रांड में अच्छे तरीके से लगाई है, और आगे बहुत कुछ हमें लगाना है। बहुत अच्छे अच्छे इन्वेस्टर्स हाउस से हमारे पास प्रपोजल आ रहे हैं, दे आर पॉजिटिव अबाउट द एलएमएल ब्रांड लीगेसी, और हम इसको एक नई डिफरेंट टेक्नोलॉजी में करने जा रहे हैं। ओके, सो यू पिक्ड अप द लीगेसी विद द एलएमएल नेम एंड इट्स लवली पास्ट। सो व्हाट आई वांट टू clarify from you, sir, is all its liabilities, all its past where it came to a stop, that is gone out of the system. So you are basically going to restart this LML brand with this acquisition. You are absolutely right. Jo bhi purana LML Limited mein koi bhi unke dues ya jo kuch bhi tha, wo government ke dwara jo unki process hoti hai, guidelines hoti hai, wo sab karte hue hum logon ne इस ब्रांड को एलएमएल इलेक्ट्रिक प्राइवेट लिमिटेड अ न्यू आइडेंटिटी में लिया है, और इसको नए तरीके से, नए दौर में, क्योंकि पहले वाले में जो इंफ्रास्ट्रक्चर था, जो टेक्नोलॉजी थी, जो प्लांट एंड मशीनरीज थी, वो सब कुछ आईईसी इंजन के मुताबिक और पुरानी चली आ रही थी। क्योंकि आज आप जिस युग में हैं, इस युग में हर रोज कुछ नया चाहिए, हर साल नया मॉडल चाहिए, हर साल में कई नए मॉडल चाहिए, नई टेक्नोलॉजी चाहिए, नए डिज़ाइन चाहिए। तो मैं आज की युवा पीढ़ी से एक ही प्रार्थना और एक ही निवेदन करूंगा कि आप भी अपने जोश से, अच्छे तरीके से, कुछ अलग यूनिक तरीके से, जैसे आप लोग सोचते हैं, कोशिश कीजिए। हमारे भारत में ऐसे कितने और आइकॉनिक ब्रांड्स हैं, और कितनों को आप रिवाइवल कर सकते हैं, रिवैम्प कर सकते हैं, कोशिश जरूर कीजिएगा। उससे 101% हमारी भारत माता का ऋण उतारने में हमें थोड़ा सा सहयोग देना पड़ेगा, जो हमारे पुराने इंडस्ट्रियलिस्ट ने मेहनत करके लीगेसी ब्रांड बनाए हैं,
उसको भारत से ही विश्व तक नाम पहुंचाने में, बड़ा करने में हमें पूरा योगदान देना चाहिए। उन ब्रांड्स को कभी भी धूमिल मत होने दीजिए, उसमें भारत की इकोनॉमी का बहुत पैसा, बहुत लोगों का खून, बहुत पसीना लगा है, उसको बड़े अच्छे तरीके से हम बड़ा ब्रांड बनाएं। जितने भी पुराने हैं, मैं कुछ नाम नहीं ले रहा हूं, आप मेरा मैसेज समझ रहे होंगे, हम सबको मिलकर जैसा मैंने कुछ करने का प्रयास किया है, हम सब मिलकर ऐसा प्रयास करेंगे तो इंडिया में जितने भी ब्रांड बंद हो गए हैं या हो रहे हैं या होने जा रहे हैं, प्लीज हैंड होल्ड दैट पर्सन और उन ब्रांड को रिवैम्प और रिवाइव करने का प्रयास करें। इससे हमारी भारत माता का ऋण भी उतरेगा और इकोनॉमी को भी बहुत बड़ा सपोर्ट मिलेगा। दैट्स अ वेरी नोबल थॉट। वी विल कम टू द एंड ऑफ द इंटरव्यू विद वन लास्ट क्वेश्चन। सो यू गॉट बिग प्लान्स विद LML इलेक्ट्रिक, देन यू ऑल्सो हैव डीटेल इलेक्ट्रिक, आई एम टॉकिंग जस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। सो will the products be different in these two areas? Will you be running them together? Will there be hand holding? Or what is your plan? आपने बहुत वैलिड लास्ट क्वेश्चन तो जरूर पूछा, बहुत ही वैलिड क्वेश्चन पूछा। मुझसे कई लोग क्वेश्चन कर चुके हैं, सर अब क्या होगा, डीटेल भी चलेगा, LML भी चलेगा? अच्छा जी, ओके जी, मैं सबका क्वेश्चन सुनता हूँ, समझता हूँ, फिर मैं जब आंसर देता हूँ, मैं उनको ये बोलता हूँ, सर आपको पता है वर्ल्ड वाइड 118 आउटो मार्केट के ब्रांड्स हैं और उनको सिर्फ 17 ओनर्स ओन करते हैं। आपको पता है इंडिया में मोर देन 80% मार्केट शेयर जिन स्मार्टफोन 5 ब्रांड्स का है, उन सबका ओनर एक है, ओप्पो, वीवो, रियलमी, नार्जो एंड वन प्लस, इन सबका ओनर एक ही है। तो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, SG ग्रुप के पास डिटेल भी है, SG ग्रुप के पास LML भी है, बट इन अ डिफरेंट कंपनी, टीम फ्रॉम टॉप टू बॉटम इज टोटली डिफरेंट, विजन इज टोटली डिफरेंट विद डिटेल, विजन इज टोटली डिफरेंट विद LML, दैट शुड बी वेरी क्रिस्टल क्लियर। अब मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ हमारा डिटेल को लेकर विजन क्या है और हमारा LML को लेकर विजन क्या है। डिटेल को लेकर मेरा विजन बॉटम ऑफ द पिरामिड है, मैं देश में इकोनॉमिकल प्रोडक्ट के साथ मासेस को डिटेल के साथ लो स्पीड इलेक्ट्रिकल व्हीकल में कवर करना चाहता हूँ। एज ए टेक्निकलिटी मैंने आपको आंसर दे दिया कि लो स्पीड इलेक्ट्रिकल व्हीकल, नाउ कम टू द LML। LML के साथ मैं देश में क्लासेस को एड्रेस करने का प्रयास करूंगा कि उसमें हाई स्पीड इलेक्ट्रिकल व्हीकल लेकर आऊं, उसमें जितने भी टॉप रिनोट ब्रांड अभी तक लॉन्च हो चुके हैं या आने वाले हैं, वो स्कूटर में है या वो मोटरसाइकिल में, हम फर्स्टली स्कूटर लेकर आएंगे, उसके बाद हम लोग बाइक भी लेकर आएंगे और बेस्ट इन क्लास टेक्नोलॉजी होगी, बेस्ट इन क्लास डिजाइन होगा, मिड प्राइस रेंज होगा, क्योंकि मैं इंडिया में बेच रहा हूं, मैं भारत के बाहर महंगा बेचूंगा, साफ बोलता हूं, मेरा उनके प्रति कोई दायित्व या ऋणी नहीं है, मैं भारत के प्रति, भारतीयता मेरे अंदर है, तो मैं भारत में मिड प्राइस पॉइंट पे बेचूंगा और बेस्ट इन क्लास बेचूंगा। विद ऑल ग्लोबल इंडस्ट्री स्टैंडर्डाइजेशन को ध्यान में रखते हुए ऐसा प्रयास करूंगा कि कंज्यूमर प्रोडक्ट खरीदते वक्त बोले, यार ये मेरी जेब पर ये भी महंगा नहीं है, मैं LML का ये वाला प्रोडक्ट लेता हूं, मैं इस चीज का लेता हूं। और एक और क्वेश्चन जो आपने नहीं किया, मुझसे काफी दिनों से हुआ, लोग इतने मैसेजेस डाल रहे हैं, सर आप इलेक्ट्रिकल व्हीकल LML में लेकर आएंगे तो क्या वही डिजाइन होंगे, वैसा ही सब कुछ होगा या किस तरीके का होगा? सर मेरे पास LML का NV है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मेरे पास LML का स्टार है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। सर मैं सिर्फ एक ही चीज कहना चाहूंगा, हमने एक थर्ड पार्टी डिप्यूट कर दी है जो कि अननोन पार्टी है, इंडिया में वो सर्वे पर निकल चुकी है, उनको प्रोजेक्ट दिया गया है, बाय द मंथ ऑफ नवंबर वो हमें प्रोजेक्ट सबमिट करने वाले हैं। ऐसे कितने भारतीय लोग जो LML को यूज करते थे या पसंद करते हैं डिजाइन को, जितने भी LML के पुराने डिजाइन को जो लोग पसंद करते हैं, अगर उनकी लाइकिंग में आता है और आज की जनरेशन उसको एडॉप्ट करने में, एक्सेप्ट करने में खुशी से एक्सेप्ट करती है, तो 101% हम उन डिजाइन का लुक एंड फील देने का भी एस्थेटिक पैरामीटर से प्रयास करेंगे। And how soon do we see an LML product? And would you also be setting up a new plant for this? How soon? Very valid question. क्योंकि हमने कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं लाना कि प्रोडक्ट आ गया और हमने LML लगा दिया। नहीं सर, LML वो नहीं है, LML का 50 साल की लीगेसी, उसमें बड़ा सोच समझ कर कदम करके मैंने आपको बताया कि हम पहले सर्वे एजेंसी को डिप्यूट कर लिया, हमने डिजाइन हाउस से हमारा डिस्कशन चल रहा है, उनको प्रोजेक्ट हम विद इन 2-3 डेज क्लोज करने वाले हैं कि हमें बेस्ट इन क्लास डिजाइन दीजिए जो कि हमारी सर्वे एजेंसी की रिक्वायरमेंट के मुताबिक आएगा। उसके बाद टेक्नोलॉजी है, थर्ड प्लांट आएगा। सर हमारा प्लांट के ऊपर डिस्कशन, जैसे मैंने अभी पहले आपको बताया, गवर्नमेंट से डिस्कशन चल रहा है, उसके ऊपर जो भी होगा वेरी सूनली विद इन नेक्स्ट क्वार्टर हम लोग अनाउंस करेंगे। और जो आपका क्वेश्चन है कि हाउ सून, बिफोर एंड ऑफ 2022 LML world class scooter will hit the roads. Thank you very much and wish you the very best. Thank you, sir. Thank you. It's my pleasure.